यहाँ पे पिंजरा है तो जल्दी जल्दी भागे, टाइम खत्म हो गया है, टाइम नहीं बचा अपने पास। रमजान में क्या खिला रहे हो? सन्नाटे में बैठे हो भाई आप, हैं जो आप बोलोगे खिला देंगे भाई। क्या खिला रहे हो बताओ? बिरयानी खिला रहे हो आज? करे भाई अस्सलाम वालेकुम गाइस, तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। तो भाई आज है फ्राइडे का दिन, फ्राइडे का दिन मेरा बहुत ज़्यादा मसरूफियात वाला गुजरता है, वो इस वजह से कि मुझे दुकान पे भी जाना होता है, दुकान से आने के बाद नमाज की तैयारियाँ भी करनी होती हैं, फिर नमाज पढ़ने भी जाना होता है, फिर वहाँ से अपने कज़न या दोस्तों के साथ बाहर खाना खाने भी जाना होता है, और ये है कि और भी बहुत सारे काम होते हैं, सब आप लोगों को दिखाता रहूँगा कि हाँ भाई फ्राइडे वाले दिन मेरी क्या क्या मसरूफियात होती हैं। तो अभी ये है कि भाई चले गए शॉप पर, मेरा इंतज़ार कर रहा है, वेट कर रहा है। मैंने कहा भाई आप जाओ, मैं आता हूँ ज़रा व्लॉग बनाकर, मैं थोड़ा बहुत व्लॉग बनाता हूँ फिर मैं आता हूँ आगे बाद थोड़ी देर में 10-15 मिनट में। तो ये है कि जल्दी जल्दी व्लॉग बना रहा हूँ, फिर दुकान पर जाके मिलेंगे भाई से, फिर वहाँ से स्टार्ट करेंगे व्लॉग, फिर घर पर आएंगे फ्रेश होंगे, तो सारे जो भी मसरूफियात होंगी आप लोगों को सब मैं दिखाता रहूँगा। तो अभी मिलते हैं, फ्रेश होने जाऊँगा ज़रा, फिर इंशाल्लाह मिलते हैं फ्रेश होने के बाद डायरेक्ट शॉप पर। अल्लाह। तो भाई मैं फ्रेश होकर आ चुका हूँ, अब मैं ज़रा जाऊँगा शॉप पर, शॉप पे जाके जो जो काम है, जो जो मसरूफियात हैं वो सब भी करनी है। अब ज़रा चलते हैं शॉप पे। हाँ मिट्टू, क्या हाल है? ये हमारा है मिट्टू। तो भाई अब हम जा रहे हैं ज़रा शॉप पर, ये हम आ गए हैं नीचे। अब यहाँ खड़ी हुई एक बाइक ये, एक बाइक ये, एक बाइक ये। अच्छा मसला ये है कि हमारे अब्बू को जो है पुरानी गाड़ियाँ रखने का बहुत शौक है, तो बस यही है भाई, एक बाइक ये भी है कि ये भी है कि वहाँ सुजुकी खड़ी हुई है, एक गाड़ी ये खड़ी हुई है, एक उनकी 50 वो खड़ी हुई है वही पुरानी, और एक वो साइकिल भी खड़ी हुई जो कि बोलते हैं बुढ़ापे में चलाऊँगा। सारी की सारी पुरानी गाड़ियाँ इसी घर में खड़ी हैं। तो अब ये है कि भाई ये जो गाड़ी है ये बताते हैं कि भाई ये इंडिया से आई है, अब पता नहीं कब आई थी इंडिया से, कौन से ज़माने में आई थी जो हमारे नसीब में रह गई, बस अब इसी को निकालेंगे और इसी पर जाएंगे दुकान पर। भाई क्या करें भाई, करना पड़ता है, अपने पास तो है नहीं, लाजमी सी बात है, हमारे अब्बू ने मेहनत करी है ज़्यादा, तो वही करेंगे सब कुछ, उन्हीं की चीज़ें इस्तेमाल करनी पड़ती हैं। बाकी जो अपनी जो बाइक है वो 150 वो खड़ी हुई है आगे, वो सिर्फ मैं निकालता हूँ अपना जब मुझे कहीं दूर जाना होता है, उसी वक्त निकालता हूँ, उसके अलावा मैं नहीं निकालता। अभी जरा चलते हैं डायरेक्ट दुकान की तरफ। चलो भाई घूम घूम घूम। मिरर भी हैगा भाई इसके अंदर, BMW वाला। वाह वाह, देखते जाओ भाई, गिरा गिरा। तो भाई उतर चुका हूँ, अब ज़रा मैं बाइक स्टार्ट करूँ और फिर अब जाना है शॉप पर जा रहे हैं। तो भाई मैं दुकान पर आ चुका हूँ, अब ज़रा मैं जा रहा हूँ अब्दुल्ला भाई के पास, देखते हैं क्या क्या काम बाकी है वहाँ। हाँ भाई अब्दुल्ला भाई। हाँ भाई, क्या कर रहे हो? सामान निकाल दिया सारा और वेट कर रहे हैं। थोड़ा बैठने दो तो यार, ज़रा अभी तो आया हूँ, जुम्मे का दिन है, नमाज ही पढ़नी। चलो ठीक है, लाओ बिल दो, बिल पकड़ो, ये सामान देख लो सारा, चेक कर लो एक बार, तुम भी नजर मार लो इसके ऊपर। सही है आपने डाल दिया, देखो मग्गे शक्के सब निकाल तो फोल्ड करिएगा। आज तो बैंक बंद होते हैं ना? पता नहीं यार, बैंक बंद होते, चेक भी जमा करवाने थे यार। चलो बस सही है, चेक भी दिए वो जमा करवाने। सही है, आओ यार बाइक पर आके सामान दे दो भाई। चलो भाई अब जरा मैं जा रहा हूँ जरा कंपनी, वहीं जाके मैं आपसे मिलता हूँ, कंपनी में दिखाऊंगा आप लोगों को कि कौन सी कंपनी की हूँ, बड़ा मज़ा आने वाला है। ठीक है, तो भाई सामान तो मैंने कंपनी में दे दिया है, क्योंकि कंपनी में जो है प्राइवेसी बहुत ज़्यादा होती है, तो इस वजह से मैं आप लोगों को दिखा नहीं पाया। तो ये है कि यार इंशाल्लाह आगे जाके और कोशिश करूँगा मैं आप लोगों को दिखा पाऊँ। ये व्यू देखें आप, गाड़ियाँ खड़ी हुई सबकी, और अभी हम यहाँ से बाहर जाएँ बाहर की तरफ। भाई वेटिंग एरिया में बैठा हूँ, वेट कर रहा हूँ, जिस भाई के पास मैं आया था उनके पास
अभी वेटिंग चल रही है, थक बहुत ज़्यादा गया हूँ, बस जल्दी से घर जाना है, फ्रेश होना है, फिर नहाने की तैयारी करनी है और नमाज की तैयारी करनी है। हालत तो आप देख ही रहे होंगे। व्यू चेक करें आप बस, यहाँ का व्यू चेक करें। यहाँ पे पिंजरा है तोते का। तो भाई मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ अब, और अब मैं आ गया हूँ अपने रूम की तरफ। ये है कि अभी नमाज की तैयारियाँ करनी है, तो फिर नमाज़ पढ़ने जाएंगे इंशाल्लाह। पहले उससे पहले मेरे को फ्रेश होना पड़ेगा, जो कि अपने जुम्मे की तैयारियाँ सारी करनी पड़ेंगी। तो बस अभी हम निकालेंगे अपना जुम्मे का कुर्ता जो हमें पहनना है, और फिर वैसे ही आपके सामने आएंगे। ओके लाले 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 लाले, इसको हटा दो अभी, अब ये पहनेंगे आज। आज हम पहनेंगे ये, तो इसको प्रेस करवाते हैं फिर रेडी होकर आते हैं। अल्लाह हाफिज। हाँ तो भाई तुम्हारा भाई रेडी हो गया है, बिल्कुल नमाज के लिए रेडी है, बस जल्द से जल्द जाना है, नमाज पढ़ेंगे घर के बराबर में, चार पांच घर छोड़ के मस्जिद है हमारे, वहीं जाएंगे नमाज पढ़ने। तो नमाज के बाद जहाँ भी जाएंगे खाना वगैरह खाने, जो भी हमारे कज़न या दोस्त आएंगे उनसे भी मिलवाएंगे, आप लोगों को बहुत मज़ा आने वाला है। तो अब जल्द से जल्द मैं निकलूँ, नमाज बिल्कुल टाइम जो है बिल्कुल 5-10 मिनट रह गए नमाज पढ़ने में, जमात पढ़ने में, बस उसके बाद हम आपसे डायरेक्ट नमाज के लिए। अब मैं हो रहा हूँ लेट, और जब लेट हो तो समझ जाओ यार काम ख़राब हो जाएगा यार, ये वीडियो छोड़ो और बस निकलने वाली करनी है अब यार। भाई नमाज के लिए निकल चुका हूँ, बस मस्जिद में पहुँचने वाला हूँ भाई, इस तरह से, और टाइम बिल्कुल एंड टाइम पे नौकर आ चुका है, बस अब जल्दी जल्दी भागे, टाइम ख़त्म हो गया है, टाइम नहीं बचा अपने पास। हाँ तो भाई नमाज नमाज पढ़ के हम लोग आ चुके हैं, और यहाँ पे ही हमारे कज़न भी आ गए भाई लोग, सुफियान भाई खड़े हैं, क्या हाल है सुफियान भाई? ठीक भाई, आप रमजान में क्या खिला रहे हो? सन्नाटे में बैठे हो भाई आप, हैं जो आप बोलोगे खिला देंगे भाई। क्या खिला रहे हो बताओ? बिरयानी खिला रहे हो आज? चले देख ले, इतने मेहरबान कब से हो गए भाई, इतने मेहरबान क्यों हो रहे हो आप हमारे ऊपर, क्या बात है इतना मेहरबान होने की? आपका व्लॉग आ रहा है इसलिए मेहरबान है। वैसे हर जब मैं आते थे तो ये बोलते थे अमेरिकन सिस्टम है, आज ये बोले जो खाना खा लो भाई, चलो यार खाते हैं यार, चलो चलते हैं कराची वाले, शर्मा रहे हैं, फर्स्ट टाइम आया ना, जरा जब भी शर्मा रहे हैं, ये शर्माते नहीं। तो भाई खाना खाने आ चुके हैं हम लोग, ये यजदान भाई बैठे हुए हैं, ये अब्दुल्ला भाई बैठे हुए हैं, ये खाना भी आ गया जल्दी जल्दी, मुफ्ता बोलते हैं। अब्दुल्ला भाई कैसा लग रहा है भाई? यहाँ का हलीम बहुत अच्छा होता है, ये फरंगी में कराची हलीम के नाम से। अच्छा, यजदान भाई ने हमारे लिए बिरयानी मंगवाई है VIP करके। हाँ यजदान भाई मज़ा आ रहा है? हाँ मज़ा आ रहा है, खाना खाए खाना। चलो भाई पहले खाना खाते हैं, ठीक है? तो भाई यजदान भाई का जाते जाते शुक्रिया अदा कर दें, उन्होंने खाना खिलाया हमारे को बगैर किसी अमेरिकन सिस्टम के। तो यजदान भाई बहुत बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह अगले जुम्मे भी हम आपका इंतज़ार करेंगे, इसी लिए मैं आइएगा अच्छे से। ठीक है भाई, सही है, चले भाई अब जरा आराम करते हैं, घर पे जाके बहुत थक चुका हूँ, खाना वाना सब खा लिया। जरीर भाई घर पर ही होंगे अपने, कहाँ जाएंगे? ठीक है भाई, ओके भाई, शाम में मिलते हैं आप लोगों से। तो भाई तुम्हारा भाई आ चुका है मुफ्ता फोड़ कर, तबीयत से पेट बिल्कुल हो गया टाइट VIP कर। अभी बस भाई बाहर धूप इतनी थी कि हालत मेरी भी खुद टाइट हो चुकी है, जिस तरह से मुफ्ता फोड़ा टाइट करके हालत भी टाइट हो चुकी है धूप की वजह से सिर्फ। तो अब हम करेंगे आराम, काम भी बहुत सारे पड़े हुए हैं, पीछे आप देख रहे होंगे बहुत सारा सामान पड़ा हुआ है, बेटी का हकीकत है कुछ दिन पहले, तो वो सारा का सारा सामान अभी तक के बाहर ही पड़ा हुआ है, तो ये सब अभी मेरे को करना है साइड में। तो अब आपसे हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, मतलब ब्लॉग पसंद आया होगा, और कोशिश करूँगा कि इससे अच्छा ब्लॉग आप लोगों को बना बना के दिखाऊँ और आगे बढ़ूँ इंशाल्लाह। तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें,
बस, और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़।